तो आज मैं तुमको सिखाने वाला हूँ कि इस वीडियो को कैसे बनाना है। वैसे इस वीडियो में म्यूजिक ये है, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। तो यार इस म्यूजिक में आपको सुना नहीं सकता क्योंकि हमारे वीडियो पे आ जाएगी कॉपीराइट स्ट्राइक। इसके लिए वैसे कोई नहीं यार, वीडियो बनाना तो सुन लेना। वैसे इस वीडियो को बनाना बहुत ही ज्यादा है सिंपल, मेरी गर्लफ्रेंड को हो गया है पिंपल। क्या बात करता है यार। वैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और 9.16 वाला फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद भाई साहब यहाँ पे हम वीडियो ऐड कर रहे हैं जो कि मेरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन आपको अपना खुद का रिकॉर्ड करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड करने के लिए दो ऑप्शन है। दो, पहला ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बोले तो ओपन कैमरा से नहीं करना है, ब्राइटनेस को लॉक करके नहीं करना है। और दूसरा, आप इंस्टाग्राम का ही कैमरा यूज कर सकते हो, फिल्टर वगैरह लगा के उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब म्यूजिक के साथ, नहीं तो म्यूजिक के साथ ही रिकॉर्ड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक का भी दे दूंगा और म्यूजिक डाउनलोड का भी दे दूंगा, दोनों दे दूंगा। तो ये जो हमारा फेस है, नॉर्मल कैमरे से क्या होता है, जब आप वीडियो नॉर्मल कैमरे से रिकॉर्ड करोगे, जब आपका फेस पीछे के साइड चले जाएगा तो वीडियो की ब्राइटनेस जो होती है ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। तो ये है फ़ायदा, मतलब लो होनी चाहिए, जब आप बैक हो जाओगे तो ब्राइटनेस लो होनी चाहिए, नहीं होगी तो वीडियो नहीं बनेगा। जैसे मैं पीछे के साइड जा रहा हूँ, ब्राइटनेस वीडियो की पूरी लो हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा मतलब एकदम नाइट का सीन है, मतलब शाम के टाइम का सीन है, तो ऐसा होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंची वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पे स्प्लिट प्ले हेड करने है, जहाँ से आपके वीडियो में ब्राइटनेस कम करनी है वहाँ पे, यहाँ एडजस्टमेंट पे जाके कम कर लेना। अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइटनेस से कम कर लेना। वैसे मेरा पहले से ही कम है, बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसा कम कर सकते हो। अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरा तो पहले से ही कम है, इतना ब्राइटनेस रहना चाहिए जितना आप देख रहे हो। अब हमको सिंपली उस पोजीशन पर आ जाना है जहाँ से हमारा ब्राइटनेस लो रहा है, मतलब हम पीछे के साइड जा रहे हैं और सब पतंग की डोर की तरह चाँद को खींच रहे हैं। तो हम लेयर पर आ जाएंगे, यहाँ से हम पीछे के साइड जा रहे हैं और लेयर पर क्लिक करें। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर जाके एक वीडियो ऐड कर लेना है। इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना भाई लोग और यहाँ पे ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। लिंक पे आपको बस क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। तो ये वीडियो हम ऐड कर चुके हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करेंगे। जो वीडियो है यहाँ पे ऑप्शन में हमको दिखेगा स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हम करेंगे फुल स्क्रीन में, ये फुल स्क्रीन पर कर देंगे। फुल स्क्रीन पर करने के बाद इसको क्या करेंगे, ब्लेंड। तो यहाँ पे हमको दिखेगा एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन जो कि थोड़ा सा नीचे होता है, यहाँ पे हमको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल चुका है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ओवरले, मल्टीप्लाई स्क्रीन, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, बहुत सारी ब्लेंडिंग है, लाइटन, डार्केन। तो यहाँ पे हम डार्केन कर रहे हैं, बाकी आपको जो सही लगे वो कर लेना, मैं तो डार्केन ही रख रहा हूँ फिलहाल। डार्कर रखने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। नीचे के साइड भी स्काई दिख रहा है, आप देख रहे हो नीचे के साइड। तो हम क्या करेंगे, क्रॉपिंग वाले पे जाएंगे, मतलब स्प्लिट स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमको, नहीं सॉरी इसके बगल वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट कर लेना ताकि ऐसा नीचे से क्रॉप हो जाए। तो यहाँ तक हम वीडियो का जो लेयर का वीडियो है यहीं तक रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे उसके बाद भाई लोग। उसके बाद यहाँ पे जो वीडियो है इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फेड पे क्लिक करेंगे, और फेड पे क्लिक करने के बाद सिंपली इसका जो फेड का टाइमिंग है वो हम रखेंगे कुछ यहाँ तक, 0.5 के आसपास तक रखेंगे और बस वीडियो को प्ले करेंगे। वीडियो कुछ ऐसा बन चुका है, अभी बस नीचे का थोड़ा सा ही काम बाकी है, बस थोड़े से ही काम के लिए वीडियो बन रही है। तो नीचे हम क्या करेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करने के बाद एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे, चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज करके हम ब्लू कर लेंगे, कोई और कलर का ऐड करके इसका कलर हम ब्लू कर लेंगे। ब्लू करने के बाद इसकी जो साइज है वो बढ़ाएंगे और नीचे के साइड लेके आ जाएंगे, यहाँ तक जहाँ तक हमने स्काई वाला वीडियो लगाया वहाँ तक लेके आ जाएंगे, और इसको भी हम कर देंगे ब्लेंड। तो ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर चलते हैं, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर चलने के बाद ओवरले और मल्टीप्लाई, दो ब्लेंडिंग है तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। वीडियो आप देख रहे हो बीच, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है नाइट का सीन है, और हम इसमें भी इन एनिमेशन फेड रख के दोनों का टाइमलाइन बराबर कर देंगे दोनों का, और इसका जो साइज है वो बढ़ा लेंगे, मतलब लास्ट तक कर देंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से प्ले करके देख लेते हैं कि वीडियो हमारा बना है कि नहीं सही से बना है। तो वीडियो हमारा प्ले हो रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हो,
वीडियो तो प्ले हो चुका है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है वीडियो हमारा बन भी चुका है एकदम परफेक्ट वाला, और वीडियो हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। बस इतना सिंपल सा वीडियो, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस अगर आप एक बार सही से वीडियो को देखे हो स्टार्टिंग से तो आप वीडियो को बना सकते हो। बन चुका है और कुछ काम ही नहीं इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। जो मून वाला वीडियो है, अगर आपके वीडियो में सही से नहीं हो रहा है, मतलब कलर वगैरह आपको और चाहिए, तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट पे आके इसको एडजस्ट भी कर लेना, तो इससे आपकी कलरिंग वगैरह बढ़ जाएगी। जो स्काई में कलर वगैरह वो और भी ज़्यादा शाइनिंग दिखेगी और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्मूथ बनेगा। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आपको नहीं सही लगे तो, बाकी आपकी मर्जी है करो या नहीं करो। तो वीडियो हमारी बन चुकी है जैसा कि आप लोग देख रहे हो रेडी। अब यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल में, और इसमें कुछ काम नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक मार देना, और काइंड मास्टर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, और ड्यू रिकॉर्डर ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।